आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही आसान और क्विक स्नैक रेसिपी जिसका नाम है रवा ढोकला और ये है एक इंस्टेंट रेसिपी क्योंकि इसमें हम आज यूज़ करेंगे इनो। तो ये बहुत ही क्विकली बनेगा और बहुत ही यमी। तो आइए देखें इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। हमें ली है एक कप सूजी, एक कप दही, एक टीस्पून कुकिंग ऑयल, एक टीस्पून नमक और ये है मैजिकल इंग्रेडिएंट, जी हाँ, 1 teaspoon ऑफ इनो या फ्रूट सॉल्ट और हमने लिया है 1/3 cup ऑफ वाटर। तो आइए हम इसका पहले बैटर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सूजी और सूजी में मिक्स करेंगे दही और इसको एक बड़े बोल में डालेंगे सब कुछ ताकि सब कुछ आसानी से मिक्स हो सके। और अब हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट और पानी। अब हमने एक स्मूथ बैटर बनाना है और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और फिर हम इसका ढोकला बनाना शुरू करेंगे। तो आइए हम इसको मिक्स करके अभी हम छोड़ देते हैं 15 से 20 मिनट के। तो आइए देखिए टेम्परिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। 1 teaspoon सरसों के दाने, 1/2 teaspoon सफ़ेद तिल, 3 से 4 ग्रीन चिलीज लंबी स्लिट की हुई, इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं, 5 से 6 करी लीव्स, 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर एक सुंदर सा कलर देने के लिए और 1 मुट्ठी भर की धनिया लीव्स गार्निशिंग के लिए। अब हमें करीबन 6 से 7 inch का टिन लेना है इस ढोकले को बनाने के लिए। इसको हमने अच्छे से ग्रीस करके पहले ही रख लिया है और मैंने अपने स्टीमर में करीबन 1 बड़ा ग्लास पानी डाल के उसको अभी मैं उबालूंगी क्योंकि जब हमें ये बैटर ट्रांसफ़र करना होगा अपने टिन में हमारा पानी खौलता हुआ होना चाहिए, बिल्कुल भी कम गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम उबलता हुआ गर्म होना चाहिए। तो आइए अब हम अपने बैटर को अपने टिन में सेट करते हैं। सो करीबन 20 मिनट बाद हमारी सूजी अब अच्छे से फूल के तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले 1 teaspoon ऑयल। ये ऑयल हमने पहले ऐड नहीं किया था, इसे इसी समय पर ऐड करना है। और अब हम डालेंगे अपना मैजिक इंग्रेडिएंट, जी हाँ, ये है इनो का मैजिक। तो जैसे ही हम इनो डालेंगे इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे और ये फूलने लगेगा और यही है कारण कि हमारा ये ढोकला इतना इंस्टेंट और जल्दी से बन जाता है। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं बीट करना है, सिर्फ थोड़ा सा मिक्स कर दिया अच्छे से और हमारा टिन ऑलरेडी रेडी है, हमारा पानी एकदम खौलता हुआ है इस समय और अब मैं इसको अपने टिन में ट्रांसफ़र करती हूँ। देखिए सारा ट्रांसफ़र हम इसको टिन में करते हैं। ये ढोकला बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और एक बहुत ही बढ़िया स्नैक है, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है। तो बस अब हमने जैसे ही इसको ट्रांसफ़र किया हम इसको थोड़ा टैप कर देंगे ताकि कुछ एयर पॉकेट्स ना रह जाए बीच में और ये इवनली स्प्रेड हो जाए। अब हम अपना स्टीमर खोलकर इसको इसमें रख देंगे और हमें टोटल 15 मिनट्स के लिए इसको स्टीम करना है। तो पहले 3 मिनट्स हम इसको हाई फ्लेम पे करेंगे। तो आइए फ्लेम हाई कर देते हैं, पहले 3 मिनट हाई फ्लेम पे और बचे हुए 12 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। तो आइए खोल के चेक करते हैं ढोकला को। अब हम एक नाइफ की सहायता से उसको इंसर्ट करके देखेंगे। देखिए इसमें कुछ भी नहीं लगा है जिसका मतलब है कि हमारा ढोकला अब तैयार है। अब हम गैस को स्विच ऑफ करते हैं और ढोकले को एक प्लेट के ऊपर ठंडा होने देते हैं। सो 5 मिनट बाद ठंडा होने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। तो हम इसमें प्लेट ऊपर रखते हैं और टैप करके निकाल देंगे। ये देखिए हमारा ढोकला है एकदम तैयार और ये बहुत ही खूबसूरत बना है। अब हम इसके अंदर टेम्परिंग डालेंगे, उससे पहले हम इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो। तो आइए इसको हम डायमंड शेप में काट सकते हैं, ऐसे हमने चाकू से काटा। इसकी आप स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल्स बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो।
तो हमने अपने पैन में ले लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, इसको क्रैकल होने देंगे। अब हम डालेंगे इसमें अपने तिल के सीड्स, इसको भी क्रैकल होने देते हैं। और अब करी लीव्स, ग्रीन चिलीज और अच्छे से कलर के लिए रेड चिली पाउडर, तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये एक बहुत ही स्वादिष्ट टेम्परिंग बन जाती है। बस अब फ्लेम स्विच ऑफ और हम अपने ढोकले पर इसे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ढोकला है तैयार। इसको आप हरे धनिए की चटनी या फिर किसी भी केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया स्नैक आइटम है। इवनिंग स्नैक हो चाहे लंच बॉक्स रेसिपी हो, आप इसको बच्चों को दीजिए, उनको बहुत पसंद आएगा। और ये बहुत क्विकली बनता है, इसलिए इसमें ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो अब है टिप ऑफ द डे। जब भी आप ढोकला बनाने के लिए ट्रे यूज़ करें तो 6 से 7 इंच की ही ट्रे यूज़ करें, ताकि आप उसको आसानी से अच्छा शेप दे सके। और इसमें आप मोर हेल्दी इसको बनाने के लिए इसमें और भी वेजिटेबल्स जैसे कि कैप्सिकम या गाजर भी बैटर में डाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार मैं लेके आऊँगी आपके लिए और भी एक्साइटिंग रेसिपीज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे।